लेकिन एक दिन में दो बार नहीं खाना, बात ही है। तो आज सुबह खा लिया तो बस अभी रात को नहीं खाना। क्या करेगा? ठीक है, वेलकम बैक, स्वागत का खुशी नाम है। सुबह से बजे सुबह के 8:15 बहुत दिन बाद जो ब्लॉग है पार्किंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कुड़ारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बस गए प्लान ही, हम लोग सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज माधव के कार में जा रहे हैं और निकलते हैं फटाफट। संडे था कल, रात को भी आराम से ज़्यादा नींद तो कम्प्लीट हो चुकी है। तो बस पहुँचते स्टॉक मारे आपको मिलते स्टॉक मार ब्रेकफास्ट के। क्या करेगा? सो गाइस सुबह के 9:45 तो स्टॉक मार्केट से नाश्ता करके निकल चुके हैं हम लोग। बोलते ना सब फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद निकले थे। अच्छा ठीक है ठीक है। यार ये सुबह जैसी है तभी इसने बोल दिया आज तेरा वीडियो मैं खराब करूंगा। ले गुड़ारी कर, नहीं नहीं करेगा आज। तो बस बोलते ना बहुत दिनों बाद नाश्ता किया, इतना मज़ा आया। और तो बस अभी जा रहे हैं घर, मौसम अच्छा था, वापस धूप आ अच्छा ही है, अच्छा रहेगा। चलो बढ़िया, धूप गई आ गई है मस्त। तो चलते हैं भैया, आपको मतलब एक नंबर गाइस। A few moments later. So guys, सुबह दोपहर के दो तो व्लॉग सीधा भी कंटिन्यू करके क्या है और ब्रेकफास्ट करके आया। और गाइस फिर आते ही बोलते ना इतना आला सारा था कि थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर एक बुक थी गाइस उसको थोड़ी रीड की और ना के रेडी हो चुका हूँ। प्लान ये है कि यार अभी बज रहे गाइस 2, आप देख सकते हैं ना के रेडी हो चुका हूँ। और मम्मी ने क्या कोई साफ सफाई चालू की है घर में, क्या दिवाली का तो टाइम है वैसे। और क्या बता, मम्मी बोली बीच में काम वाम आ जाए साफ सफाई बाकी रह जाए, तो अभी से मम्मी ने साफ सफाई चालू कर दिया। तो बस उस रूम में साफ सफाई चल रही है और बस बाहर जाते हैं, देखते हैं मम्मी बुला रही है कुछ काम तो मम्मी को कुछ हेल्प चाहिए तो जाते हेल्प करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। जैसे मुझे शाम के 4:30 तो ब्लॉग जो है सीधा भी कंटिन्यू करना हो गया है। वो मैंने आपको बताया मम्मी को हेल्प करने गया था, फिर वो काम किया और फिर फ्रेंड के घर गया था, फिर आया और वापस फ्रेंड का कॉल आया। वो लोग अमन सारा गिट हुआ तो बोलते हैं नीचे आ जल्दी काम हमारे बोला ठीक है चलो। तो देखते हैं क्या काम है, नीचे जाता हूँ और क्या उनको मिलता हूँ, शायद मुझे कहीं बाहर ही लेके जा रहे होंगे गाइस। वो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, आपको पता चलेगा वीडियो बने रही है। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस सीधा कार में। मैंने बोला ना गाइस इन लोगों कुछ काम धाम है नहीं, मेरे को मॉल लेके जाना है या इसको और अमन को खास करके गाइस। सच्ची में मैंने उसको बोला भाई संडे है और ऊपर से अवनी मॉल, आपको पता है अवनी मॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किट लास्ट बताया अपन अवनी मॉल मतलब घूमने या मन से कब गए ऐसी गए। हाँ गाइस कुछ कोई जगह नहीं होती है तो जाना पड़ता है गाइस अवनी मॉल, लेकिन अवनी मॉल इतना कुछ है नहीं खाता। अमन को गाइस सबवे खाना है, तेरे को क्या खाना है? इसको भी सबवे खाने का। मेरे को बोलते ना मन बिल्कुल नहीं खाने का क्योंकि आज सुबह ही मैंने अपने देखा गाइस, मैं गया था स्टॉक और वही फिर बाहर का तो सुबह खाया और वापस अभी बाहर का खाने का बिल्कुल। मैं अगर कुछ मन हुआ तो कॉफ़ी पी लूँगा, देखता हूँ मन तो मेरा कम ही हो क्या, अभी थोड़ा कंट्रोल करना है। बहुत बाहर का खाता हूँ मैं और ये मेरे हर ब्लॉग में बोलता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ गाइस। लेकिन एक दिन में दो बार नहीं खाने, बात ये है। तो आज सुबह खा लिया तो बस अभी रात को नहीं खाना है। तो बस अभी अमन का वेट करा गया, अमन ने ही बुलाया और अमन ही लेट है गाइस, वो आ रहा है, वो आता है और फिर आपसे मिलते हैं गाइस। तो गाइस करीब 15 से 20 मिनट अमन का वेट किया और अमन आ चुका है गाइस, सामने खड़ा है देखिए। तो बस अभी जाते हैं अवनी मॉल, आपको मिलते हैं गाइस अवनी मॉल पहुंच के। मौसम बोलते हैं ना बारिश कितनी भी हो कृष्णा, लेकिन ठंडा मौसम कोलकाता में तो होने से यार बेकार गाइस। अच्छी में अभी 2 मिनट खाली एसी बंद की गई, पसीने छूट गए हमारे को। तो चलते ही फटाफट आपको मिलते हैं अवनी मॉल पहुँच के। पहुंच चुके अवनी मॉल और मतलब इतनी भीड़ है गाइस अवनी मॉल के फूड कोर्ट में, मतलब हम लोग आधे घंटे के बाद गए हम लोग को टेबल मिला, करीब 20-25 मिनट घूमा फिर टेबल मिला, फिर ऑर्डर किया और फिर अभी बैठा है क्रिस। क्रिस तो मस्त डाइट पे है गाइस, सबवे हेल्दी खाना खा रहा है और मैंने एक्चुअली बाहर का था हॉट चॉकलेट पी लो गाइस क्रीम एंड कस्टर्ड, तो वही ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर दिया और अमन गया है गाइस वहाँ बर्गर किंग में,
तो बस बर्गर लेके आते हैं और फिर खाते हैं और इंजॉय करता निकलते हैं कहीं से। मेन गल इसी के लिए है, ये लोग बोला कुछ तो कहा, मैंने बोला खाऊंगा तो नहीं, हॉट चॉकलेट पी लूँगा, तो हॉट चॉकलेट पीते और फिर चलते हैं। अमन आ चुका है, अमन ने लिया है बर्गर किंग का पूरा मील। ऐसे ये रहा अपना हॉट चॉकलेट, देखते हैं अभी कैसा टेस्ट है स्क्रीन में, बस का फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो बस पीता हूँ और फिर आपको रिव्यू देता हूँ। तो कैसे बजे सवा छः, तो बस अभी टाइम है निकलने का। जो हॉट चॉकलेट था वो गाइस कैसा टेस्ट था बता दे, ठीक ठाक ही था गाइस, वो बोलते ना कुछ ज़्यादा ही मीठा था। मैंने और अमन ने वो गौतम्स का पिया था, वो टेस्ट बोलते ना गाइस एक नंबर था और थोड़ा थिक भी था, ये तो बहुत पतला था और कुछ ज़्यादा ही मीठा था, तो मैंने तो हाफ ही छोड़ दिया, कुछ ज़्यादा ही मीठा था। तो बस अभी चलते हैं गाइस घर फटाफट, ये अमन के वैसे गाइस हम लोग आए हैं ना। One eternity later. और गैस मैं आ चुका हूँ, करीब बज रहा है गैस रात के 8, घर आया था गैस करीब कितने बजे आया था, 6:30-7 बजे के इस टाइम प्रॉपर याद नहीं मेरे को, आते बोलते हैं एडिटिंग करने बैठा, एडिटिंग अपलोड सब डन है, अभी करते हैं गैस डिनर और डिनर के बाद गैस मैं आपको मिलता हूँ, देखते हैं आज क्या बना डिनर में। सुबह से बजे रात के 10:30, तो गैस अभी टाइम ब्लॉग को एंड करने का, आप देखा कि आज गैस सुबह गए थे स्टॉक मार्केट, फिर शाम को मेरा फ्रेंड के साथ वापस बोलते ना वहाँ पे अपनी मॉल, तो वही मैंने तक इतना कुछ खाया नहीं किया, मैंने कि सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था और बाहर किया था इसीलिए बाहर का कुछ खाया नहीं, खाली हॉट चॉकलेट पिया, वो भी टेस्ट ठीक ही था, इतना कुछ बोलते ना अच्छा था नहीं, ओवर मीठा था गाइस। तो ऐसे कुछ आज का ब्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलेंगे।